चलिए बढ़ते आगे। वहीं दूसरी ओर बढ़ाए गए कलेक्ट्रेट को लेकर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का कहना है कि गरीब आदमी को मकान बनाना मुश्किल हो गया है, ऊपर से सरकार ने कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को राहत देने की बजाय सरकार का कलेक्ट्रेट बढ़ाना गलत है। आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही तरीके से किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है, जबकि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम जल्द ही तय हो जाएगा। कांग्रेस क्या राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी, इस बारे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बढ़ाए गए कलेक्टर रेट को कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, पहले तो वैसे ही प्रॉपर्टी के रेट बहुत बड़े हुए हैं। आज शहर के अंदर आम आदमी और गरीब आदमी को मकान बनाना बहुत कठिन हो गया है, और उसके बाद कलेक्टर रेट बढ़ा दिए, यानी कि जो जले हुए पे नमक छिड़कने वाली बात है। क्योंकि चाहिए तो सरकार को राहत देना है। सरकार की जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रही है महंगाई की वजह से। सरकार कहती है कि हमने बजट बढ़ा दिया, तो बजट बढ़ाया है तो लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, परंतु रिलीफ ना मिल देकर लोगों पे टैक्स लगाना, कलेक्टर रेट बढ़ाना ये गलत है। अरोड़ा जी, किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करने का कार्यक्रम बना रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? प्रजातंत्र के अंदर हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, और जिस प्रकार से तानाशाह रवैये से रोका जा रहा है प्रजातंत्र में किसानों को, ये गलत है। सरकार ने जब उनसे प्रॉमिस किया था कि हमें एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे, तो एमएसपी गारंटी का कानून बनाना चाहिए। अगर एमएसपी गारंटी का कानून बना होता तो आज हरियाणा के अंदर जो जीरी 2320 रुपये स्पोर्ट्स प्राइस को कह के और 200-300 रुपये कट करके किसान को लूटा गया, तो ये लूटाना जाता। मैंने विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री से कहा था कि आपको अपना जिला है उसके अंदर भी कम से कम 50 करोड़ रुपये किसानों की जेब से नमी के नाम से निकाला गया। तो इस प्रकार जो बात किसान रखना चाहते हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। अरोड़ा जी, सरकार कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर किसान ऐसे कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं? कोई प्रोग्राम, किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं। पहले कहते थे कि ट्रैक्टर ट्राली में नहीं जाना, उनका नहीं जाएंगे, फिर कारों पे भी मना कर दिया, आप पैदल जाना चाह रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई सड़क बाधित ना हो तो उनको जाने दिया जाए, तो जाने देना चाहिए। अरोड़ा जी, 20 दिसंबर को राज्यसभा चुनाव होंगे, क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार इस चुनाव में उतारेगी? ये काम कांग्रेस हाईकमान का है, जो कांग्रेस हाईकमान निर्णय लेगी उसके बारे में। रोड़ जी, एक मामला काफी लंबे से अटका हुआ है, कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता का पत्ता जो है पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया, अब ये फैसला कब हो सकता है? जल्दी हो जाएगा। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम जल्द तय हो जाएगा। वहीं इन्होंने कलेक्टरेट बढ़ाने को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।